नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या कोई पत्रकार अगर मोदी के मंत्री से सवाल करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी? और स्मृति ईरानी जैसी मंत्री अगर किसी पत्रकार से नाराज होकर उसके मालिक को, अखबार के मालिक को अगर फोन घुमा देंगी तो रातों रात पत्रकार नौकरी गंवा देगा, एक नहीं दो? और अगर ऐसा है तो फिर क्या इस देश के जो ज्यादातर बड़े न्यूज चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, उनके मालिक मुख्तार क्या मोदी सरकार के आगे नतमस्तक हैं, झुके हुए हैं? और यहीं से एक सवाल और होता है कि क्या आज की तारीख में, क्या मोदी राज में, क्या मोदी सरकार के दौर में देश की 85% मीडिया, 85% मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया अंबानी और अडानी के हाथ में आ गई है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मोदी सरकार यूं ही चलती रही और मीडिया का, प्रेस की आजादी का गला घोटती रही, और मोदी अगर 2024 में फिर से आ गए, तीसरी बार शपथ ले ली, तो क्या फिर इस देश में 2024 के बाद सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन मीडिया रह जाएगी? अब दोस्तों, ये सारे ही सवाल देश के सामने, हमारे आपके सामने बेहद ज्यादा अहमियत रखते हैं। और इन सारे सवालों के जवाब आज मैं नहीं देने जा रहा हूं, इन सारे सवालों के जवाब आज देश के बड़े एंकर, जाने माने एंकर, बेखौफ एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी देंगे। अब दोस्तों, सवाल जो है वो स्मृति ईरानी पर भी होंगे, सवाल जो है वो मोदी सरकार पर भी होंगे, सवाल जो है वो पीएमओ पर भी होंगे कि क्या पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सारे चैनल्स और अखबार का दफ्तर बन गया है? क्या वहीं से निर्देश जाते हैं और चैनल पे आप जो कुछ देखते हैं कहीं ना कहीं मोदी की मीडिया टीम उसके पीछे होती, बीजेपी का IT सेल होता है? ये सवाल का जवाब भी आज आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अखबार के जो मालिक हैं, जो कभी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के आगे नहीं झुके, आखिर वो क्या मजबूरी है, वो क्या दबाव है, वो नरेंद्र मोदी के आगे झुक गए, ऐसी भी क्या मजबूरी? उस पर भी कुछ बेखौफ बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात, आज प्रसून वाजपेयी ने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो मोदी की सरकार का सच दिखा रहे और ABP छोड़ने से पहले मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री ने उनसे कहा कि प्रसून, तुम्हारे लिए इस सरकार के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। और तब प्रसून वाजपेयी ने कहा कि सत्ता के ऐसे दरवाजे ठोकर मारता हूं। और शायद उसके बाद का जो सच है वो सब आपको मालूम है, किस तरह उन्होंने आज तक छोड़ा, फिर किस परिस्थितियों में ABP छोड़ा, उन सब पर भी बातचीत हो।